हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मैं पहुंचा हूं अभी दिल्ली में, और दिल्ली में मैं जहां पे हूं, ठीक मेरे सामने आप देख रहे होंगे पीछे इस कॉम्प्लेक्स में, पीछे संदीप महेश्वरी का शो स्टार्ट होने वाला कुछ ही देर बाद, फर्स्ट फ्लोर पे। ये पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है, रानी बाग और चुनमुनी स्टोर के पास यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ, बाकी लोग भी धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गया था क्योंकि मुझे शाम को देर रात मालूम पड़ा कि मेरा जो पास है वो आ चुका है यहाँ से, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था बहुत पहले। और जब मेरा पास मिला मुझे कल रात को, तो मैं एकदम से चौंक गया था क्योंकि टाइम भी बहुत कम था और फिर आना भी था दिल्ली देहरादून से। तो फिर मैंने एक क्विक डिसीजन लिया कि यार मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैं जल्दी वहाँ से निकल गया था और सीधे यहाँ पहुँच गया था। तो पूछ पूछ के वैसे एड्रेस दिया रहता पास में, जो पास जो आता है उसमें सारी डिटेल्स रहती है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि मैं कहाँ पर, जो शो होने वाला कुछ ही देर बाद ये शो होने वाला है। हालांकि अंदर तो वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे, लेकिन जितना मैं कवर कर पाऊंगा उतना मैं कोशिश करूंगा कवर करने की। और सामने जो फर्स्ट फ्लोर पे जो जहाँ पे महेश्वरी का जो स्टूडियो है, उसके बल्कि बाहर लिखा हुआ है डिस्कवर, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं हूँ वहाँ पे अभी। गाइस, ये बिल्डिंग है ना, सिटी मॉल के सामने, और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। इसके ऊपर जिम है वगैरह वगैरह है। तो अभी एंट्री शुरू नहीं हुई है, जब एंट्री शुरू हो जाएगी तो उसके बाद देखो, ये डिस्कवर वहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं बता रहा था आप लोगों को, ये डिस्कवर, और इसी के अंदर ये शो स्टार्ट होने वाला है। राइट, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का समय अभी टाइम हुआ है तकरीबन 1 बज रहे होंगे, अभी 1 बज गया गाइस। तो हम लोग अभी जा रहे हैं इंडिया गेट, और हम लोग अभी यहाँ पे कार पे बैठे हैं, और ये हमारे साथ हमारे भाई साहब है जो हमें इंडिया गेट घुमाने अभी लेके जा रहे हैं। तो इंडिया गेट के बाद हम लोग एक आधी जगह और भी जाएंगे गाइस, तो सोचेंगे उसके बाद कि हमारे पास कितना टाइम बचेगा। और बाकी जो मेरे सहपाठी हैं पीछे आप देख रहे होंगे, राणा जी है, यशपाल राणा, और ये है राहुल भाई। अब इनके भी व्यू होंगे कि भाई कहाँ जाना अच्छा लगेगा और कहाँ हम घूम सकते हैं बेहतर। तो गाइस, अभी लोग हम चले हैं, रास्ते में हैं, और अब इंडिया गेट के पास ही आपसे रूबरू होते हैं। तो ये हमारे राणा जी है पीछे बैठे हुए, और राणा जी तो हैंडसम है यार, है राणा जी। और हमारे राहुल भाई जी, आप ब्लॉग में शूट हो रहे हो यार, कुछ बोलो यार भाई। ना, आपने तो राणा जी तारीफ कर दी, हमारी तारीफ ना करी, हम हैंडसम नहीं है क्या यार? मैंने ऐसा कब कहा? मैं आखा इंडिया यार, 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 रॉक स्टार, यार रॉक स्टार, और रॉक स्टार की तारीफ लोग उसके अपने आप करते हैं। ये हुई ना बात, पता नहीं ये गजब है। तो गाइस, जब आपसे रूबरू होते हैं इंडिया गेट के पास, क्यों राणा जी? बिल्कुल, मैं लोगों को लेके बहुत मजाक बना देता हूँ। अच्छा अच्छा, लुक छुप ना जाओ जी, मुझे दर्द दिखाओ जी, आज क्यों तरसाते हो, जरा शक्ल दिखाओ जी, तेरी शरारत सब जानू मैं चौधरी, दिल का खेल है पंगा सीधा कह रही, मेरे दिल में बस गए हो तुम्ही तुम चंदा, और मैं चांदनी दामन में बांध के ये खुशी, अरे झूम 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 झूम, ओ मेरे दिल में बस गए हो तुम्ही तुम चंदा, और मैं चांदनी दामन में बांध के ये खुशी, अरे झूम 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 झूम। गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया गेट दिल्ली। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ी देर पहले हम लोग जब कार से हम निकले थे नोएडा सेक्टर 15 से, तो हम लोग अभी इंडिया गेट पहुंच चुके हैं गाइस फाइनली। थोड़ा टाइम जरूर लगा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था, और यू नो थोड़ा सा बीच में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था एक जगह, तो गाड़ी हमको वापस भी लेनी पड़ी वहाँ से, और फिर उसके बाद हम दूसरे रूट से यहाँ पे आए, तो थोड़ा सा टाइम भी लग गया था गाइस। लेकिन
फाइनली हम लोग जो पहुँचे हैं इंडिया गेट पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है क्योंकि आज का जो समय, आज का जो दिन है वो संडे का दिन है, और संडे को ऑब्वियसली बात है कि संडे को सभी यहाँ सभी की छुट्टियाँ रहती है, और सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं लोग। और वैसे तो बहुत बार मैं पहले भी इंडिया गेट पे आया हूँ, लेकिन आज दोस्तों के साथ जो आने का जो एक अवसर प्राप्त हुआ हम लोगों को, और ये एक अलग एक्सपीरियंस के तौर पर मैं कह सकता हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। और यू नो यहाँ पे हम जो आए हैं यहाँ पे राणा जी यशपाल सिंह राणा और राहुल भाई, राहुल भाई हमारे साथ। राहुल भाई क्या कुछ कहना चाहते हैं आप यहाँ के बारे में? अभी तो आए हैं, बाद में कह लेंगे। राहुल भाई ऊपर देख लेने दे पहले भैया, वहाँ के बाद बताएंगे। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, एकदम एक हंसाने के मूड में रहते हैं हमेशा, और अच्छा एक्सपीरियंस है। तो गाइस ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं इंडिया गेट, बल्कि मैं बड़ा लग रहा हूँ इंडिया गेट से, है ना। तो हम लोग अभी थोड़ी देर यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद हम दूसरी जगह जाएंगे थोड़ी देर में। और धूप बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली में गर्मी शुरू हो गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब शर्ट में आपको दिख ही रहा हूँ, शर्ट सभी लोग यहाँ पे शर्ट टी शर्ट्स में है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है गाइस। और इस बार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि इस बार पहाड़ों में उतनी बर्फ़ भी नहीं गिरी है, और यू नो क्या बोलते हैं बारिश का भी उतना नहीं था, तो इस वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और दिल्ली में तो खासकर कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है क्योंकि अभी से ही सारी चीज़ें गर्मी होना शुरू हो गई है। तो गाइस हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स लिए, कुछ वीडियोस बनाई, राइट। और हम लोग क्योंकि अब सहपाठियों का ये कहना है कि हम लोग थोड़ा चिड़ियाघर जाएंगे, और क्योंकि समय भी थोड़ा सा कम रह गया है, हम ऑलरेडी लेट हो गई हम लोगों को ना, हम लोग चिड़ियाघर जाने वाला है थोड़ी देर में, और वहाँ का जो ब्लॉग है वो मैं इसी में अटैच करके एक ही ब्लॉग में उसको निकालूंगा, क्योंकि एडिटिंग में भी थोड़ा सा समय लगता है और उतना भी फिर कंटेंट नहीं बन पाएगा कि मैं अलग अलग ब्लॉग को शूट करूं। और बेसिकली मैं बता दूं कि मैं दिल्ली आया था, दिल्ली में इसलिए आया था क्योंकि सभी के चहेते और सभी उनको जानते हैं, सेलिब्रिटी हैं, मोटिवेटिव स्पीकर हैं मिस्टर संदीप महेश्वरी जी, उनके शो में मैं बेसिकली मैं दिल्ली आया था गाइस। और तो मुझे इनविटेशन जब मिला परसों को अचानक, मैं तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं कैसे करूं क्या करूं, बट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जब मिली थी संदीप महेश्वरी शो में आने की, तो उसको मैं मिस नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई कैम डेली यस्टरडे। और अभी हम लोग चिड़ियाघर की तरफ निकलेंगे थोड़ी देर में। उफ, अरे कहाँ कर रहा है तू यो? राहुल भाई जी भाई कुछ लैंग्वेज भाई, लैंग्वेज तो जो है वो बढ़िया, आप अन्य बताओ तुमने मजा आया ना आया? कैसा लगा इंडिया गेट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुंह तो लगे इसको मजा आया घूमने तो। हाँ सही कह रहे हो यार, लला के तो मजा ही कुछ और है। क्या भैया क्या बात है। तो ये थोड़ा थोड़ा बीच में फनी भी होना बहुत जरूरी है, और ये लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। क्यों राहुल भाई आपकी लैंग्वेज है ना ये? जो भैया जैसा कहते वैसे ही है। हाँ भैया हमारी लैंग्वेज है। आज का जो तेरा ब्लॉग है वो टोटल पहाड़ी में शूट करेंगे, ठीक है? या ठीक है ठीक है ठीक है। प्योर देसी नहीं, प्योर पहाड़ी, प्योर पहाड़ी। तो राहुल भाई कैसे करेंगे भाई? मैंने हरियाणा भी आवा है, हरियाणा में करेंगे आप। Yeah. और के? तो अब इसके बाद की जो कुछ लैंग्वेज हम अपने जौन सारी लैंग्वेज में हम यूज करेंगे, और जो भी आगे का जो प्रोसेस रहेगा हम जौन सारी लैंग्वेज में बताते रहेंगे आपको। तो गाइस हम लोग वापस आ रहे हैं अभी, और हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर में चिड़ियाघर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी समय व्यतीत किया, और यहाँ से जो एग्जिट है मैं आप बताता हूँ एग्जिट कैसे है और एंट्री कैसे है। एकदम सुरंग के नीचे से है गाइस, ये एंट्री और एग्जिट पाथ है इंडिया गेट तक पहुँचने का मेन रोड से। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या होता था कि पहले जो मेन रोड है वहाँ से सीधा आप इंडिया गेट पहुँच सकते थे ऊपर ही ऊपर से, लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी क्योंकि ट्रैफिक का ज़्यादा वो था तो रश था, तो उस टाइम पर क्या था रोड क्रॉस करना बहुत दिक्कत हो जाती थी, है ना। अब इन्होंने क्या कर दिया, नीचे से इस सुरंग के माध्यम से आप एंट्री और एग्जिट दोनों ही कर सकते हैं इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए। ये एकदम लाइट वाइट सब लगा हुआ है, और बल्कि नीचे ऑफिसेस भी बने हुए हैं, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई है, फोटोग्राफ्स लगे हैं। तो गाइस हम लोग चिड़ियाघर की तरफ निकल चुके हैं, और हम लोग अभी ऑटो में, ऑटो था और जाने के लिए लग्जरी कार थी, आने के लिए ऑटो मिला क्योंकि वहाँ नेट चलता नहीं है, तो हमें कर नहीं पाए। सामने जो दिखा वही बैठ के आगे
ना भाई, नो कुन सर, बहुत बढ़िया। और राणा जी का कमिटमेंट भी ये भी था कि चिड़ियाघर पहुंचते ही अब अपने जौन सारी भाषा में ब्लॉग शूट करेंगे। और आगे जा रही है UK 07 FL 600 BMW।